अगेन आज हम फिर से आ चुके हैं एक अच्छी सी नेचुरल ब्यूटी वाली जगह पे। अब अगर हम नॉर्थ ईस्ट में हैं तो बट ऑब्वियसली हमें नेचुरल ब्यूटी ही देखने को मिलेगी। अभी हम आए हैं, हमें भी नहीं पता लेकिन हमें का ये एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता। एक्चुअली ये बता रहे हैं कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पे अभी कुछ टाइम तक रिस्ट्रिक्शन था। आज पता नहीं, आज हम लोग शायद ज़्यादा पूरे डिसिप्लिन्ड होके आए हैं, बाकायदा हेलमेट वगैरह लगा करके, तो शायद हमें एंट्री इस वजह से मिल गई है। लेकिन ये बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और अपन तो वही कहने वाले हैं ना कि अच्छा लग रहा है। और आपको पता है कि हमें कश्मीर जैसी फीलिंग दे रहा है। जो हम गुलमर्ग गए थे, सोनमर्ग, गुलमर्ग, सब कुछ ऐसा ही बड़े बड़े ग्रास लैंड। बस हम अगर मिस कर रहे हैं तो हम अपनी बॉल को मिस कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मेरे पास बॉल होती ना, हम लोग इतना फन करते। एक्चुअली मेरे को भी नहीं पता था कि हम यहाँ आने वाले हैं, अदरवाइज हम अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ आते, पूरी पिकनिक के मूड में आते। और तो और खाने को भी यहाँ कुछ नहीं लेके आए, कुछ तो ले आते कम से कम। मेरा क्या होगा कालिया, ये जो जिसका पेट ही कुआं है उसका क्या होगा। शाशा तो चलो कैसे भी रह सकती है, बिना खाए भी रह सकती है। तो अब आप ये जो दूर दूर तक की ब्यूटी है ना, वो एंजॉय करिए अलोंग विद शाशाज एंड ताराज ब्यूटी। हम अभी आ चुके हैं उस जगह के बारे में, हम आपको भी ज़्यादा बता नहीं सकते क्योंकि हमें खुद भी नहीं पता है। बहुत ही इम्प्रोम्प्टो हमारा ये डिसीजन हुआ है यहाँ पर आने का। और अभी आपने शाशा की बातें तो सुन ली, तो हमारा तो ऐसे ही हो जाता है, जहाँ मन करे वहाँ चलो। खाली बैठे हम लोग, बिल्कुल नल्ले लोग है ना। तो बहुत ही सुंदर जगह है, और ये तो अभी एक ही साइड की है, इससे भी सुंदर जगह मतलब यहाँ पर है, बहुत ही सुंदर। बहुत मज़ा आ रहा है, बस खाने को कुछ नहीं है, हम और ये बंजरों के जैसे घूम रहे हैं। मेरा क्या होगा बिना खाने का, इस कुएं का क्या होगा, अपने तो रह लेंगे जैसे तैसे। हाँ। सच्ची में कोई नहीं, दूर दूर तक गांव में कोई नहीं। मैं इनके लिए ये भी कर लूंगी है ना, ठीक है, आपके लिए मैं ये कर लूंगी, कोई नहीं। ओके ओके, सो स्वीट। यस, आज इसने मेरे को फाइनली ढंग की चाय पिलाई थी। कितनी गंदी है, कितनी झूठी है। हाँ बस सच है, यहाँ पे तो स्काई तो देखने लायक ही होता है। इट्स गोइंग टू बी सनसेट। ये दो महिलाएं बैठी हुई हैं किसी आसपास के गांव की, लेकिन बस खाने को कुछ नहीं है यहाँ पे। बहुत शांति है। ये देखिए त्रिपुरा एक्सप्लोर करते करते वो गाना गाने का मन होने लग गया है, ये कहाँ गए हम। और तारा को तो एक जॉब भी मिल गई है यहाँ आते ही। पार्ट टाइम जॉब कर रही है तारा यहाँ पे, हमने इनको दे दिया है, तो इनका भी कम से कम खर्चा पानी चल जाएगा। तारा कैसा फील कर रही है? तारा हाँ, प्राइवेट जॉब में इतना ही स्ट्रगल है, इसके लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करनी चाहिए। अच्छा लग रहा है। तारा थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट होती हुई, पर हम यहाँ अकेले दूर में आकर के एंजॉय करते हुए। बहुत बोलती ना, अभी से थोड़ा सा करवा लेते हैं मेहनत। ये आर्मी एरिया है, यहाँ पे मेरे को बोल चुके हैं जाने के लिए कि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, हम जल्दी निकलने वाले हैं यहाँ से। अब इतनी दूर तक आए हैं एक्सप्लोर करते हुए, तो कम से कम कुछ तो वक्त बनता है कि आसमां। आज हमें बहुत ही टाइम के बाद कुछ दिखाए अगरतला में, मुझे तो बहुत टाइम बाद दिखाए। तो क्या दिखाए वो, आप उसकी साउंड से बताएंगे क्या मिला था आपको? अम्मा, अम्मा। अब आप कमेंट में बता रहे हो क्या चीजें से इन्होंने करी है, अम्मा अम्मा करके। देखते हैं इनकी साउंड निकालने की स्किल्स कितनी अच्छी है, उससे पता चलेगा। बहुत जब आप सही गैसेस दे, बहुत अच्छी। अब हम लोग की आउटिंग पूरी हो गई है, हम लोग फाइनली जा रहे हैं बैक टू पवेलियन। तो तब तक के लिए शाशा एंड तारा ऑफलाइन। ये देखिए मच्छर भी खा गए, बहुत जहरीले हैं यार, मेरे को काटे खाए हैं पैर में। ओके, कोई नहीं, बाय बाय।